नमस्कार। परख के आज के अंक में हम एक ऐसी पुस्तक पर चर्चा करेंगे जो 1995 में प्रकाशित हुई थी, और यह पुस्तक है विल किमलिका के द्वारा लिखी गई पुस्तक मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप और लिबरल थियोरी ऑफ माइनॉरिटी राइट्स। इस पुस्तक को चुनने के पीछे एक खास प्रयोजन है। वह प्रयोजन इस बात से जुड़ा हुआ है कि हम आजकल के दौर में अपने देश के भीतर इस तरह की विमर्श को हावी होता हुआ देख सकते हैं, जिसमें यह माना जाता है कि अगर किसी खास समूह को अलग से कोई अधिकार या विशेषाधिकार दिया गया है तो वह संविधान के मूल्यों के खिलाफ है, वह उदारवाद के मूल्यों के खिलाफ है, वह एक तरीके से देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा है। विशेष रूप से जब जम्मू और कश्मीर से संबंधित धारा 370 को समाप्त किया गया, या फिर ऐसे ही कुछ विशेष प्रावधान जो कि अल्पसंख्यकों और ज़्यादा खुलकर कहे तो मुस्लिमों से संबंधित हैं उनके बारे में बातचीत हुई, तो अक्सर यह तर्क दिया गया और दिया जाता रहा है कि ये सभी चीज़ें हमारे संविधान या उदारवादी मूल्यों के खिलाफ हैं और इन्हें समाप्त करके हम एक ऐसी दिशा में बढ़ सकते हैं जहाँ पर हम वास्तविक अर्थों में एक राष्ट्र राज्य बन पाएँ, हम वास्तविक अर्थों में एक ऐसे देश बन पाएँ जहाँ पर एक निशान हो, एक संविधान हो, हर व्यक्ति के लिए एक जैसा कानून हो, हर व्यक्ति को एक जैसा देखा जाए, उसके साथ एक नागरिक के रूप में समान व्यवहार हो। इस संदर्भ में ख़ास तौर पर कई सारे लोग पश्चिमी देशों का उदाहरण देते हैं और यह कहते हैं कि वहाँ पर इस तरह का भेदभाव अल्पसंख्यकों के साथ नहीं होता है, भेदभाव सकारात्मक भेदभाव कि उन्हें कुछ खास अधिकार दे दिया जाए। विल किमलिका की यह पुस्तक इस मिथक को तोड़ती है। विल किमलिका यह तर्क देते हैं, और शायद अगर हम थोड़ी गहराई में जाएं, हम राजनीति सिद्धांत और पश्चिमी देशों की वास्तविक व्यवस्थाओं का अध्ययन करें तो हम ये पाएंगे कि वहाँ पर अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। विल किमलिका की पुस्तक में सैद्धांतिक स्तर पर उदारवाद के भीतर किस तरीके से अल्पसंख्यक अधिकारों को समायोजित किया जा सकता है इसकी चर्चा की गई है, और कि क्यों किया जाना चाहिए इसके बारे में भी गहराई से विचार किया गया है। प्रस्तावना और निष्कर्ष के साथ यह पुस्तक कुल 10 अध्याय में विभाजित है, जिसमें सैद्धांतिक विमर्श और कुछ व्यवहारिक उदाहरणों से गुजरते हुए इस बात को मजबूती से स्थापित करने का प्रयास किया गया है कि आखिर क्यों अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार दिए जाने की ज़रूरत है, और अगर ऐसे विशेष अधिकार दिए जाते हैं तो उनका स्वरूप क्या होना चाहिए, उस स्थिति में क्या किया जाना चाहिए जब किसी खास समुदाय के आंतरिक व्यवहार वहाँ के नागरिकों की स्वतंत्रताओं का दमन करें। क्या इस तरीके की स्वतंत्रताओं को किसी देश या समाज की एकता और अखंडता के लिए सही माना जा सकता है? किमलिका की पुस्तक में इन सभी प्रश्नों को का हल तलाशने की कोशिश की गई है। अगर हम एक बहुसंस्कृतिवादी या मल्टीकल्चरलिस्ट सिद्धांतकार के रूप में विल किमलिका के विचारों को समझना चाहते हैं तो हमें एक पृष्ठभूमि सैद्धांतिक स्तर पर साफ कर लेनी चाहिए, और वह पृष्ठभूमि जॉन रॉल्स की पुस्तक के प्रकाशन के बाद आरंभ हुई। जॉन रॉल्स ने एक व्यक्ति की कल्पना की और उसके आधार पर न्याय के अपने सिद्धांत दिए, लेकिन बाद में जो समुदायवादी सिद्धांतकार आए, जिसमें कि माइकल सैंडल, माइकल वॉल्जर, एलिसडेयर मैकेंटियर जैसे सिद्धांतकार प्रमुख हैं, इन लोगों ने रॉल्स की और उदारवाद की यह कहते हुए आलोचना की कि इसमें व्यक्ति की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है, उसके समुदाय से जो जुड़ाव होता है उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है, और यह कहा गया कि अगर हम कोई भी सिद्धांत बनाते हैं तो हमें उस संदर्भ में व्यक्ति के जो अधिकार होते हैं उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। सो समुदायवादियों ने कुल मिलाकर इस पर जोर दिया कि व्यक्ति की जो स्थिति होती है समुदाय के भीतर उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, और उदारवादी इस पर ध्यान नहीं देते हैं। विल किमलिका ने अपने लेखन में इस बात को रेखांकित करने का प्रयास किया कि जो समुदायवादी उदारवादियों की आलोचना करते हैं या जॉन रॉल्स की आलोचना करते हैं वह थोड़ी बढ़ा चढ़ा कर की गई आलोचना है, क्योंकि जॉन रॉल्स या उदारवादी यह नहीं कहते हैं कि व्यक्ति बिल्कुल ही स्वायत्त होता है और उसका समाज से कोई लेना देना नहीं होता है। हालांकि किमलिका ने यह भी कहा कि जिस तरीके से उदारवाद के भीतर व्यक्ति की स्थिति को मान्यता दी जानी चाहिए वैसी मान्यता नहीं दी गई है, और इसीलिए
साफ तौर पर समूहों के अधिकारों के बारे में सैद्धांतिकरण किए जाने की ज़रूरत है। विल किम्लिका इस बात को बिल्कुल साफ करते हैं कि दुनिया में कोई भी ऐसा समाज या ऐसा देश नहीं है जो पूरी तरीके से होमोजेनस या समरूपी हो। बहुत सारे समाजों को समरूपी या होमोजेनस बनाने की कोशिश की गई, लेकिन वहाँ भी अलग अलग स्तरों पर, छोटे या बड़े स्तरों पर, अल्पसंख्यक समुदाय मौजूद हैं। और इस बात की ज़रूरत है कि इन अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों को मान्यता दी जाए। इस संदर्भ में विल किम्लिका ने विशेष रूप से तीन तरह के अल्पसंख्यक समुदायों की चर्चा की है। एक स्तर पर वो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक समुदायों की बात करते हैं, और यहाँ पर वो ऐसे समुदायों को रखते हैं जो कि लंबे समय से एक देश में रहते आए हैं, या जब कोई राष्ट्र राज्य बना उसके पहले वो अपने भूक्षेत्र में रहते आए थे। मिसाल के तौर पर कनाडा के क्यूबेक प्रांत के फ्रेंच भाषी लोग, या फिर अमेरिका में जो वहाँ के इंडियंस हैं वो लोग, और ऐसे ही कई उदाहरण हम अपने देश में भी देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम अपने देश में आदिवासियों को इस श्रेणी में रख सकते हैं। किम्लिका सिर्फ और सिर्फ कनाडा और अमेरिका का के उदाहरणों का ही इस पुस्तक में इस्तेमाल करते हैं। दूसरे स्तर पर उन्होंने अप्रवासी लोगों की, अप्रवासी जो दूसरे देश से आते हैं, उनकी बात की। अब ये ऐसे लोग हैं जिनका एक देश से दूसरे देश में आने की जो पूरी प्रक्रिया है वो वैश्वीकरण के दौर में तेज़ी से बढ़ी, लेकिन ऐसा नहीं है कि वैश्वीकरण से पहले इस तरह की कोई प्रक्रिया नहीं चलती थी। तीसरे स्तर पर ऐसे अल्पसंख्यक समुदाय होते हैं जो आम तौर पर इतनी कम संख्या में होते हैं कि वो अपने अधिकारों की दावेदारी प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उन्हें कोई खास तौर पर प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता है। मिसाल के तौर पर हम इसमें अपाहिज लोगों को रख सकते हैं, यानी कि जो फिज़िकली चैलेंज्ड होते हैं, विजुअली चैलेंज्ड होते हैं, ऐसे लोगों को रख सकते हैं, वृद्ध लोगों को रख सकते हैं, कई सारे समाजों में हम महिलाओं को भी इसमें शामिल कर सकते हैं। तो विल किम्लिका का यह कहना है कि इन तीन तरह के अल्पसंख्यक समुदायों के लिए तीन अलग अलग तरह के अधिकारों को मान्यता दिए जाने की ज़रूरत है। वो ये कहते हैं कि जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक समुदाय होते हैं उन्हें स्वशासन का अधिकार दिया जाना चाहिए। स्वशासन का अधिकार देने का अर्थ यह है कि इन समुदायों को यह अधिकार होना चाहिए कि वो अपने जीवन से जुड़े हुए मामलों का खुद देखरेख करें, खुद नियमन करें, उसके बारे में कानून बनाएं, और अगर ज़रूरत हो तो उसमें ऐसी चीज़ें जोड़ें जो वो, जिससे उनकी अपनी पहचान सुरक्षित रह पाए। और इस संदर्भ में वो विशेष रूप से कनाडा के क्यूबेक प्रांत का उदाहरण देते हैं, जहाँ पर पूरे कनाडा में अंग्रेजी भाषी लोगों का वर्चस्व है, तो वहाँ का जो सबसे बड़ा प्रांत क्यूबेक है वहाँ पर फ्रेंच भाषी लोगों का वर्चस्व है, और यह इस बात की मांग करते रहे हैं कि उन्हें क्यूबेक में हर स्थान पर फ्रेंच भाषा का उपयोग करने की अनुमति दी जाए। यानी कि शिक्षा के स्तर पर दुकानों का साइनबोर्ड बनाना हो वहाँ पर, या विशेष रूप से जो प्रभुत्वशाली समाचार पत्र या न्यूज़ चैनल हो, उन सब में फ्रेंच भाषा की प्रमुखता की मांग करते रहे हैं। और कनाडा में इस मांग को स्वीकार भी किया गया है। लगातार संवाद के माध्यम से एक ऐसी स्थिति आई है जहां पर क्यूबेक प्रांत की विशेष पहचान की मांग को स्वीकार किया गया है। तो इस उदाहरण के माध्यम से किम्लिका यह दर्शाते हैं कि ऐसे अल्पसंख्यक समुदायों को एक तरीके से स्वशासन का अधिकार दिया जाना चाहिए। कुछ हद तक हम अपने देश में जम्मू और कश्मीर की स्थिति से इसकी तुलना कर सकते हैं, जहाँ पर विशेष रूप से कश्मीर में लोग हमेशा से ही यह मानते आए हैं कि वे जो एक भारत देश है उसके उस तरीके से सदस्य नहीं बनना चाहते हैं जिस तरीके से अन्य राज्यों के लोग जुड़े हुए हैं। और अगर हम किम्लिका की इस पूरी अवधारणा का प्रयोग करें तो हमें एक रास्ता मिल सकता है कि असल में स्वशासन का अधिकार देने या स्वायत्तता का अधिकार देने से जो एक राष्ट्र राज्य है उसकी एकता को चोट नहीं पहुंचती है, बल्कि उसमें एक अलग तरह की जो आवाज़ होती है, जो अल्पसंख्यकों की आवाज़ होती है, उसको समायोजित किया जा सकता है। हमें यह भी याद रखने की आवश्यकता है कि हमारे देश में जो 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के माध्यम से विशेष प्रावधान किया गया है आदिवासी क्षेत्रों के लिए या कई अन्य राज्यों के लिए, पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए कुछ खास प्रावधान किए गए हैं, वो भी एक तरीके से स्वायत्तता का अधिकार ऐसे समूहों को देते हैं जो कि मुख्य धारा के समाज से या मुख्य धारा के राष्ट्र राज्य की अवधारणा से खुद को जुड़ा हुआ नहीं मानते हैं। दूसरे स्तर पर जो प्रवासी लोग हैं, जो दूसरे देशों से आकर किसी खास देश में बसे हैं, उनके लिए विल किम्लिका एक तरीके से बहुजातीय अधिकारों की बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि उदारवाद के भीतर
एक तरीके का एंग्लो कॉन्फर्मिज्म होता है, यानी कि अगर हम पश्चिमी देशों की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर जो एक अंग्रेजी सभ्यता है वही सबसे प्रमुख है। तो जो अल्पसंख्यक समूह है, जो बाहर से आए हुए लोग हैं, उन पर जाने अनजाने एक तरह का दबाव रहता है कि वो भी जो मूल अंग्रेजी सभ्यता है, बोलने, खाने पीने, त्यौहार मनाने का जो चाल ढाल है उसको अपनाएं। इस लिहाज से वो एक तरीके के दमन का सामना करते हैं। और इसी संदर्भ में आयरिस मेरियन यंग ने डिफ्रेंशिएटेड सिटीजनशिप के महत्व पर बल दिया था, और किमलिका इसी तर्क को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि ऐसे समूहों को यह अधिकार मिलना चाहिए कि वे अपने संस्कृति के अनुसार त्यौहारों को मना पाएं, अपने सदस्यों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करें कि वो विशेष रूप से अपनी संस्कृति से जुड़े हुए मूल्यों को अपनाएं, अपने संस्कृति से जुड़ी हुई जीवन शैली को अपनाएं। तो इस लिहाज से वो ये कहते हैं कि जो एक उदारवादी राज्य है उसे विशेष रूप से ऐसे प्रावधान करने चाहिए जिससे इस तरीके के समूह अपने अधिकारों का उपयोग कर पाएँ, अपनी पहचान को खुलकर अव्यक्त कर पाएँ। तीसरे स्तर पर वो एक विशेष प्रतिनिधित्व देने की मांग करते हैं, और यह प्रतिनिधित्व इन अप्रवासी समूहों या बाहर से आए समूहों को तो मिलना ही चाहिए, और उन समूहों को ही मिलना चाहिए जो अपनी आवाज़ प्रतिनिधि संस्थाओं तक नहीं पहुंचा पाते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं, विल किमलिका इस बात पर जोर देते हैं कि अगर हम ऐसा करते हैं तो ऐसा करने से हम उन आवाज़ों को भी लोकतांत्रिक संस्थाओं तक पहुंचा पाएंगे जो आमतौर पर अनसुनी रह जाती हैं, और ऐसा करने से हम लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया को ज़्यादा मजबूत बना पाएंगे। विल किमलिका इस बात पर काफ़ी गहराई से विचार करते हैं कि अगर कोई एक समुदाय है, अल्पसंख्यक समुदाय है, और उसे स्वायत्तता का अधिकार दिया जाता है, उसे कुछ विशेष अधिकार दिए जाते हैं, लेकिन वही समुदाय जब अपने सदस्यों के व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लंघन करता है तो ऐसी स्थिति में क्या किया जा सकता है। विल किमलिका कहते हैं कि निश्चित रूप से हमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकारों को वरीयता दी जानी चाहिए, और अगर इस संदर्भ को हम अपने देश में ट्रिपल तलाक की वाद विवाद से जोड़ें तो हम यह कह सकते हैं कि किमलिका यह जरूर कहेंगे कि जो मुस्लिम महिलाएँ हैं उनके अधिकारों को महत्व देना चाहिए, और इस लिहाज से उनके अधिकारों को कायम रखने के लिए अगर ट्रिपल तलाक पर प्रतिबंध लगाया जाता है तो वो कोई गलत बात नहीं है। लेकिन किमलिका इसके साथ एक और बात जोड़ते हैं, और वो ये कहते हैं कि इस बात की बहुत ज़्यादा हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए कि उदारवादी समाज के जो लोग हैं या जो उदारवादी लोग हैं वो उदारवादी मूल्यों को एक अल्पसंख्यक समूह पर थोपें जो उस तरीके से उदारवादी नहीं है या जो रूढ़िवादी है। इसके बजाय किमलिका का कहना है कि ज़रूरत इस बात की है कि ऐसे समूहों के साथ संवाद किया जाए, बातचीत की जाए, और उन्हें उदारवादी मूल्यों को अपनाने के लिए प्रेरित किया जाए। तो अगर हम फिर से ट्रिपल तलाक के वाद विवाद पर जाएँ तो शायद किमलिका के पूरे मॉडल को अपनाते हुए कह सकते हैं कि व्यक्ति के अधिकारों को प्राथमिकता होनी चाहिए, लेकिन सीधे तौर पर अगर कोई उदारवादी समाज अपने मूल्यों को एक अल्पसंख्यक समुदाय पर थोपता है तो यह सही नहीं है। उसके बजाय संवाद का रास्ता, बातचीत का रास्ता ज़्यादा बेहतर होता है। किमलिका यह भी कहते हैं कि जब हम उदारवादी मूल्यों को किसी रूढ़िवादी अल्पसंख्यक समूह पर थोपने की बात करते हैं तो हमें यह याद रखना चाहिए कि जो बहुमत के सदस्य हैं, जो बहुसंख्यक समुदाय हैं, उसमें भी रूढ़िवादी प्रथाएं हैं, उसमें भी रूढ़िवादी तत्व हैं, और उदारवादी समाज के लोगों को या उदारवाद में भरोसा रखने वाले राष्ट्र राज्य को, उदारवाद में भरोसा रखने वाले लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह जिस तरह का बर्ताव बहुमत के सदस्यों के साथ, बहुमत के रूढ़िवादी सदस्यों के साथ और उनकी प्रथाओं के साथ करेंगे, वैसा ही बर्ताव उन्हें अल्पसंख्यकों के साथ भी करना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं हो सकता है कि एक तरफ बहुमत की रूढ़िवादी प्रथाओं को स्वीकार किया जाए और अल्पसंख्यकों की रूढ़िवादी प्रथाओं पर उदारवादी मूल्यों को लागू करने के नाम पर एक तरह से उनके समूह के अधिकार में अतिक्रमण किया जाए। अगर ऐसा किया जाता है तो यह सही नहीं होगा। किमलिका एक अन्य महत्वपूर्ण बात पर जोर देते हैं। उनका यह कहना है कि यह मानना सही नहीं है कि समूहों को अधिकार देने से जो एक राष्ट्र राज्य बनाने का सपना होता है जहां पर लोगों के बीच कुछ सहभागी मूल्य हों, वह सपना दूर हो जाता है, टूट जाता है, या वह एक ऐसी स्थिति में तब्दील हो जाता है जिसे हम कभी हासिल नहीं कर सकते हैं। किमलिका कहते हैं कि असल में अगर हम समूहों के अधिकारों को मान्यता देते हैं तो हम उस दिशा में ज़्यादा
गंभीरता से आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर हम यह देख सकते हैं कि अलग अलग तरह के समूह एक साथ रहें और वो कुछ ऐसे साझा मूल्य विकसित करें जहाँ पर वो एक देश के रूप में या एक राष्ट्र राज्य के रूप में अपने आप को एक बेहतर नागरिक के रूप में स्थापित करें। तो विल किमलिका का जो मुख्य जोर है वह इस बात से संबंधित है कि अल्पसंख्यक अधिकार महत्वपूर्ण हैं और इन्हें समायोजित किया जाना चाहिए उदारवाद की रूपरेखा में। उदारवादी समाज कभी भी अपने उदारवादी मूल्यों को एक तरीके के गहरे विश्वास या अहंकार के साथ अगर रूढ़िवादी या गैर उदारवादी अल्पसंख्यक समूहों पर थोपता है तो इसे सही नहीं माना जा सकता है। हालांकि विल किमलिका जिस तरीके से अपने तर्कों को प्रस्तुत करते हैं उसमें कुछ निश्चित सीमाएं हैं। मिसाल के तौर पर वो जितने सारे उदाहरणों का प्रयोग करते हैं वो सारे उदाहरण पश्चिमी देशों से जुड़े हुए हैं। अपने बाद के लेखन में उन्होंने कुछ ऐसे उदाहरणों पर विचार किया जो अफ्रीकी या एशियाई देशों से जुड़े हुए थे, लेकिन कम से कम इस पुस्तक की यह एक सीमा है कि वो सैद्धांतिक विमर्श को आगे बढ़ाते हैं और उसमें जब भी वो उदाहरण लेते हैं तो वो कनाडा या अमेरिका के उदाहरण होते हैं। दूसरे स्तर पर ब्रायन बेरी ने बहुसंस्कृतिवाद की अवधारणा की ही आलोचना की है और उनका यह कहना है कि बहुसंस्कृतिवाद एक ऐसा आधार बन सकता है जिससे किसी अल्पसंख्यक समूह के काफ़ी निकृष्ट किस्म के व्यवहारों को भी स्वीकार किया जा सकता है। और दूसरे स्तर पर बहुसंस्कृतिवाद संस्कृति पर इतना ज़्यादा जोर देता है, इतना ज़्यादा जोर देता है कि जो आर्थिक मुद्दे होते हैं, आर्थिक असमानता का जो प्रश्न होता है वह पीछे छूट जाता है। ऐसा लगता है मानो सबसे बड़ा सवाल संस्कृति और सांस्कृतिक पहचान का ही सवाल है। बेहतर होता, ब्रैनबेरी इस दिशा में तर्क को आगे बढ़ाते हैं कि बेहतर होता कि एक ऐसा सैद्धांतिक विमर्श तैयार हो जिसमें कि संस्कृति के साथ साथ आर्थिक मसलों पर भी गहराई से विचार हो, और निश्चित रूप से बहुसंस्कृतिवाद की पूरी रूपरेखा और विल किमलिका का लेखन इस मसले पर ध्यान देने से चूक जाते हैं। तीसरे स्तर पर जो विको पारिक हैं उन्होंने इस बात को आगे बढ़ाया है कि बहुसंस्कृतिवाद का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि हम एक सैद्धांतिक स्तर पर कुछ अधिकारों की रूपरेखा तैयार कर दें और हम यह कह दें कि इस समूह के पास इस तरीके के अधिकार होने चाहिए, दूसरे समूह के पास दूसरे तरह के अधिकार होने चाहिए, बल्कि ज़्यादा ज़रूरी यह बात है कि समूहों के बीच आपसी संवाद हो और आपसी संवाद से वो एक दूसरे की संस्कृति, सांस्कृतिक पहलुओं के विभिन्न आयामों को समझें और एक ऐसी समझ बनाएं जहाँ पर वो एक साथ रहने और एक दूसरे के मूल्यों को सम्मान के साथ देखने की आदत का विकास कर पाएं। लेकिन विल किमलिका यद्यपि वो कुछ स्तरों पर संवाद की बात करते हैं उदारवादी समूहों और गैर उदारवादी समूहों में, लेकिन वो इसे अपने पूरे मॉडल में एक महत्वपूर्ण स्थान देने में नाकाम रहते हैं। जब हम विल किमलिका को पढ़ते हैं तो हमें इस बात को याद रखना चाहिए कि विल किमलिका एक ऐसे सिद्धांतकार हैं जिन्होंने उदारवाद के बुनियादी मूल्यों को कायम रखा और उसके साथ उसमें समूह के विभेदीकरण को समायोजित किया, और ये सिद्धांतिकरण हर उस समाज के लिए महत्वपूर्ण है जो कि विविधतापूर्ण है, मिसाल के तौर पर हमारा समाज। और निश्चित रूप से हम कई बार इस बात को कहते हैं और गर्व से कहते हैं कि हमारे समाज में उन विविधताओं, हमारे संविधान में उन विविधताओं को पहले से ही समायोजित करने की एक रूपरेखा मौजूद है। लेकिन विल किमलिका का जो पूरा सिद्धांतिकरण है वह हमें इस बात को याद दिलाता है कि एक ओर उदारवाद के महत्व को हमें स्वीकार करना है, लेकिन उसके साथ ही हमें इस बात को एक बहुत ही गंभीरता से देखने की ज़रूरत है कि जो विविधता है उसे कैसे समायोजित किया जाए, और विविधता को और अल्पसंख्यकों की मांग को हमेशा ही समस्या के रूप में देखने की बजाय उनकी मांगों को समझते हुए उसे उदारवादी रूपरेखा में समायोजित करने की ज़रूरत है। इसलिए अगर कुछ विशेष प्रावधान अल्पसंख्यक समूहों के लिए किए गए हैं तो वो अपने आप में समस्यापूर्ण नहीं है, और अगर कोई अल्पसंख्यक समुदाय या अगर कोई राज्य का कोई हिस्सा, मिसाल के तौर पर पूर्वोत्तर राज्य के कुछ भाग, अगर यह मांग करते हैं कि वे हिंदुस्तान की जो एक राष्ट्र राज्य की पूरी अवधारणा है उसमें भरोसा नहीं रखते हैं, तो सीधे तौर पर दमन करने की बजाय, उनकी आवाज़ को दबाने की बजाय, संवाद का रास्ता एक बेहतर रास्ता हो सकता है। और इस तरह के संवाद की गुंजाइश पश्चिमी लोकतंत्रों ने भी खोली है, और इस तरह की
संवाद की गुंजाइश हमें भी खोलनी होगी, तभी हम एक बेहतर और सफल लोकतंत्र बन पाएंगे। परख के इस अंक में मैं यहीं विराम लूँगा, अगले अंक में हम मिलेंगे और एक नए मुद्दे और एक नई पुस्तक पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।